विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी द इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. मतलब उसने एक रिएक्शन दे दिया, देखिए आप ये यही चीज क्या है आपके मैकेनिज्म को जानने की कि बच्चा मैकेनिज्म के अंदर कितना तेज है. उसने मुझे रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, उसने कहा इनमें से कौन सा नहीं बनेगा. तो आपको मैकेनिज्म जब तक नहीं पता होगा आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा नहीं बनेगा. तो जरा मैं इसका मैकेनिज्म ही ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, सबसे अच्छा रहेगा. तो आपका आयोडीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पर यू विल रीच टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन. क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे रखा है? यस डी दे रखा है, मतलब डी तो नहीं होगा ऑप्शन. क्लियर है बच्चों? उसके बाद OH ग्रुप का अटैचमेंट है इस जगह पर, है ना, यहाँ पर अटैच है. अलग पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर अटैचमेंट है. तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये अपने आपको स्टेबलाइज करेगा 1,2-डाइमिथाइल शिफ्ट से. फॉर्म करेगा क्या बच्चों? एक ये कार्बोकैटायन. क्या ऐसा ऑप्शन में दे रखा है? यस ऑप्शन बी दे रखा, मतलब ये भी नहीं बनेगा. उसके बाद क्या होता है बच्चों? OH2, आपको H2O उसका अटैक होगा. सो अटैक ऑफ H2O डायरेक्टली OH नहीं बनाएगा, पहले वो बनाएगा OH2+, और उसके बाद उसमें से H+ रिलीज होके मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा जो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो सकता. अगला है एक्सेस HBr एंड हीट. यहाँ पर बच्चों देखो मैकेनिज्म कितना बेहतरीन मैकेनिज्म, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये. और सवाल जितना बेहतरीन है बच्चों उसके लिए ही ये सवाल मैंने यहाँ पर डाला है. रीजन ये है कि आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जीओसी का एक पता होना चाहिए, जिसे मैं बोलता हूँ रेजोनेंस. कैसे पता होना चाहिए? आइए जरा देखते हैं. ऑक्सीजन के पास ही बच्चों लोन पेयर है, इस OH के पास भी ऑक्सीजन पास लोन पेयर है. अब उसने HBr दे रखा था, सबसे पहले कौन प्रोटोनेट होगा ये जानना जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा प्रोडक्ट ही अलग हो जाएगा. तो हमें ये जानना जरूरी है. तो आपको पता है बच्चों ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व रहेगा. तो भाई अब इसके पास लोन पेयर जब अगर कहीं और बीजी है तो ये H को मतलब HBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगा पहले दफा. तो पहली दफा कौन रिएक्ट करेगा बच्चों? OH इधर वाला. क्या फॉर्म करेगा ये? ये फॉर्म करेगा मेरा OH पॉजिटिव. अब आपके पास क्या दे रखा है? OH पॉजिटिव दे रखा है, तो ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा पूरा. सॉरी दिस वन H2O एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ डेट विल बी योर OCH2. CH2 पे कार्बोकैटायन. क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, अगर आप मेरी एक बात मानकर 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट करवा दे कहां पर, इस पोजीशन पे. तो आपको जो मिलेगा वो एक बहुत ही बेहतरीन मॉलिक्यूल मिलेगा, स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो उसको स्टेबलाइज कर सकता है ना बच्चों. क्लियर है? तो अब Br- का अटैक होगा इस जगह पे, तो जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा डेट विल बी योर OCH Br एंड हेयर CH3. अब HBr बचा हुआ, एक ही ऑक्सीजन बचा है, तो उसे प्रोटोनेट होना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो. तो बच्चों ये होगा प्रोटोनेट. और अब Br- जो सबसे अच्छे से अटैक कर सकता है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो यहां से अटैक करके इसको बाहर निकाल दे, और या फिर इस ब्लू वाले मैकेनिज्म को फॉलो करे. ध्यान से देखना बच्चों, जो रेड वाला मैकेनिज्म है उसके अंदर जो यहाँ जिस जगह पे अटैक हो रहा है, जिसको मैंने बहुत ही डार्क कर दिया, ये एक sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ही मुश्किल होती है, है ना. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फॉलो नहीं होगा. तो फॉलो जोन सा पार्ट होगा डेट विल बी दिस वन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आर दिस मॉलिक्यूल. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल IIT JEE के अंदर ही पूछा हुआ है. उसके अंदर उसने मॉलिक्यूल्स को क्या दे रखा था मैं अभी बताता हूँ. मैंने उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन डाल दिया यहाँ पर, मतलब वो भी इसी लेवल का ही सवाल था. तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन ऑफ फिनोल का और 1,1-डाइब्रोमो इथेन का. क्लियर है? आइए जरा देखते हैं अपने ऑप्शन को चेक करते हैं. ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जा रहा है बच्चों.